अब मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री गुर गुणवीर राणा जी को और साढ़े आठ बज चुके हैं कभी कभी अभी कई हैं मंच को प्रणाम आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ शुरू होता हूँ ज़्यादा देर नहीं लूँगा बहुत ज़्यादा प्राण आपके नहीं पीऊंगा मुश्किल से सात आठ मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिएगा मुश्किल से सात सात आठ मिनट तो चलेगा और कम करूं आप कहें तो मैं इससे भी कम कर सकता तो हूं था। नहीं मैं वो उनमें से नहीं हूं सर सुनिएगा कि अब ऊब गए गाते गाते अब ऊब गए गाते गाते झूठे हैं सब रिश्ते नाते अब ऊब गए गाते गाते झूठे हैं सब रिश्ते नाते मन छोड़ भटकना इधर उधर चला आज अयोध्या चलते हैं मन छोड़ भटकना इधर उधर चल आज अयोध्या चलते हैं चल रहे पागल मन चलते हैं जीने का ढंग बदलते हैं अब उब गए गाते गाते हाँ वही अयोध्या जहां अभी वो पावन सरयू बहती है हाँ वही अयोध्या जहां अभी वो पावन सरयू बहती है जिसकी हर एक लहर अब भी बस राम कहानी कहती है चल देखें उसकी आंखों में अब कैसे सपने पलते हैं मन छोड़ भटकना इधर उधर चल जाए अयोध्या चलते है चल रहे पागल मन चलते हैं जीने का ढंग बदलते हैं उसके तट पर कह कही के वो दो वरदान पड़े होंगे आप पहुंचेंगे चूंकि आप सभी विद्वान हैं मुझे गाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जब तक गाने के मैं एक गीत सुनाऊंगा तब तक मैं तीन सुना दूंगा आपको उसके तट पर कह के ही के वो दो वरदान पड़े होंगे उन वरदानों के सीने में लवकुश के तीर गड़े होंगे उसके तट पर कह के ही के वो दो वरदान पड़े होंगे उन वरदानों के सीने में लवकुश के तीर गड़े होंगे चल हम भी तो देखे चल कर अब वो किस तरह मचलते हैं मन छोड़ भटकना इधर उधर चल आज अयोध्या चलते हैं मन छोड़ भटकना इधर उधर चलाज अयोध्या चलते हैं वो अग्निसिया परीक्षा की अब तक भी दहक रही होगी वो अग्निसिया परीक्षा की अब तक भी दहक रही होगी जिस पर पग रखती थी सीता वो मिट्टी महक रही होगी वो अग्निसिया परीक्षा की अब तक भी दहक रही होगी जिस पर पग रखती थी सीता वो मिट्टी महक रही होगी वो मिट्टी महक रही होगी सुनते हैं सरयू के तट पर रघुनंदन रोज टहलते हैं मन छोड़ भटकना इधर उधर चल आज अयोध्या चलते हैं चल रहे पागल मन चलते हैं एक दो मिनट का और गीत थोड़ा सा कड़वा हो गया हूं जो कि माँ की पीड़ा लिखी है मां सीता की तरफ से मेरी माताएं या बहने बैठी हैं अगर मैं मां की दर्द नहीं गाऊंगा तो कुछ अजीब सा रहेगा मैं कहता हूं कि तुम तो थोड़ा सा कड़। कड़वा हो गया हूं बर्दाश्त कीजिएगा कि तुम तो मर्यादा पोषक थे मां ने कहा होगा कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता लेकिन मैं कहता हूं मां की तरफ से कि तुम तो मर्यादा पोषक थे मानवता के उद्घोषक थे तुम तो मर्यादा पोषक थे मानवता के उद्घोषक थे केवल दुर्दिन में साथ रखा तुम राम नहीं थे सो सकते केवल दुर्दिन में साथ रखा तुम राम नहीं थे सो सकते उस अग्नि परीक्षा से पहले पति का कुछ धर्म निभा देते मैं खुद ही दूर चली जाती मेरा अपराध बता देते तुम तो मर्यादा सकते मानवता के युद्ध सकते जिस दिन वरमाला डाली थी मैंने भी स्वप्न सजोए थे माँ कहती है कि जिस दिन वरमाला डाली थी मैंने भी स्वप्न सजोए थे मैं उस दिन जान नहीं पाई धरती अंबर क्यों रोए थे उस रोज पिता के साथ साथ शिव ने भी नयन भिगोए थे उस रोज भाग्य के लेके भी किस चिर निद्रा में सोए थे शिव धनुष शिव धनुष उठाना गलती थी तो परशुराम समझा देते मैं खुद ही दूर चली जाती मेरा अपराध बता देते तुम तो मर्यादा पोषक थे मानवता के उद्घोषक थे ये प्राण भले ही चले जाएं वचनों की लाज बचानी थी मैं खूब समझती थी राघव रघुकुल की रीत पुरानी थी ये प्राण भले ही चले जाए वचनों की लाज बचानी थी मैं खूब समझती थी राघव रघुकुल की रीत पुरानी थी और कड़वा होता हूं सब दोबारा मैं खूब समझती थी राघव रघुकुल की रीत पुरानी थी लेकिन 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 मुझको जो वचन दिए क्या वो सबके सब झूठे सब थे वचन तो साहब सीतामा को भी दिए थे लेकिन मुझको जो वचन दिए क्या वो सबके सब झूठे सब थे कर दिए विसर्जित किस जल में कैसे हाथों से छूटे थे तुम राम नहीं हो राजा हो तुम राम नहीं हो राजा हो यदि पहले रूप दिखा देते मैं खुद ही दूर चली जाती मेरा अपराध बता देते तुम तो मर्यादा पो सकते मानवता के युद्ध हो सकते जिस पल सोने का मृग मांगा उस पल भी बतला सकते थे जिस पल सोने का मृग मांगा उस पल भी बतला सकते थे सोने के हिरण नहीं होते इतना तो समझा सकते थे जिस पल संजय भाई, जिस पल सोने का मृग मांगा मेरे छोटे भाई बैठे अनुज संजय झाला जी जो हमारे इसके सचिव हैं, जिस पल सोने का मृग मांगा उस पल भी बतला सकते थे सोने के हिरण नहीं होते इतना तो समझा सकते थे जब तुम पर वक्त पड़ा मैंने अपना शत प्रतिशत भाग दिया जब तुम पर वक्त पड़ा मैंने अपना सत प्रतिशत भाग दिया जब आवश्यकता मुझे पड़ी तुमने बिन सोचे त्याग दिया जब आवश्यकता मुझे पड़ी तुमने बिन सोचे त्याग दिया मेरे निष्कासन से पहले कुछ तो आरोप लगा देते मैं खुद ही दूर चली जाती मेरा अपराध बता देते तुम तो मर्यादा पोषक एक दो मिनट का गीत और सुनाता हूं साहब मैंने पूरी रामायण को सुनाया एक गीत में समेटने की कोशिश की है क्योंकि लवक से जब मेरे प्रभु श्री राम ने रामायण सुनी तो उन्होंने राज तिलक तक सुनाकर बंद कर दी तुमसे प्रभु ने पूछा सुनाओ आगे सुनाओ उन्होंने कहा आगे रामायण नहीं है बोले नहीं इससे आगे भी रामायण है बोले साहब इसके आगे ना हम सुना पाएंगे और ना आप सुन पाएंगे मैंने भी वहीं तक समेटने की कोशिश की है साहब कि भोर का सूरज उगा तो कल्पना ने द्वार खोले आप सभी विद्वान हैं। शब्द पकड़िएगा शब्द का ही खेल है कि भोर का सूरज उगा तो कल्पना ने द्वार खोले बौन ओढ़े थे अधर बस थर थराए कुछ ना बोले तब वही एकांत बोला मैं ही वो वातावरण हूं हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का पहला चरण हूं। हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का पहला चरण हूं युद्ध से लौटे थे दशरथ घर में एक अभिमान लेकर युद्ध से लौटे थे दशरथ घर में एक अभिमान लेकर खुशबह थी कह कही भी सिर्फ दो वरदान लेकर युद्ध से लौटे थे दशरथ घर में एक अभिमान लेकर खुशबह थी कह कही भी सिर्फ दो वरदान लेकर शर्त पर उसके कही कि राम ने वनवास भोगा किंतु लक्ष्मण ने उसी वनवास में संन्यास भोगा किंतु लक्ष्मण ने उसी वनवास में संन्यास भोगा मौन रहकर जी रहा हूं उर्मिला का आचरण हूं हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का दूजाचरण हूं हो अगर संभव तो लिख कभी गीत का दूजा चरण हो वक्त बोला मैंने पूरे लोक को सहबा दिया था वक्त बोला मैंने पूरे लोक को सहबा दिया था आप क्या है वक्त ने तो राम को भरवा दिया था वक्त बोला मैंने पूरे लोक को सहबा दिया था आप क्या है वक्त ने तो राम को भरवा दिया था फिर ये बोला है भला मुझसे अधिक किसमय साहस एक हिरण के पीछे मैंने राम को दौड़ा दिया था फिर बोला है भला मुझसे अधिक किसमय साहस हिरण के पीछे मैंने राम को दौड़ा दिया था मैं ही सोने का हिरण था मैं ही सीता का हरण हूं हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का तीजा चरण संभव तो कवि गीत का तीजा चरण हो सेतु सागर पर बना यह काम कोई व्यक्ति का था सेतु सागर पर बना यह काम कोई व्यक्ति का था पत्थरों में भावना थी भाव केवल भक्ति का था सेतु सागर पर बना यह काम कोई व्यक्ति का था पत्थरों में भाव ना थी भाव केवल भक्ति का था है सिया लंका में ये भी वक्त ने पीटा था डंका वक्त बोला राम को लेकर गया था मैं ही लंका मैं ही लंका का दहन था मैं ही रावण का मरण हूं हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का चौथा चरण हूं हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का चौथा चरण हूं अंतिम बंद पेश करता हूं कि राम सीता से मिले तो वक्त ने की फिर समीक्षा राम सीता से मिले तो वक्त ने की फिर समीक्षा फिर सिया से मांग ली इस वक्त ने अग्नि परीक्षा राम जी सकते नहीं है भाल पर एक दाग लेकर राम जी सकते नहीं है भाल पर एक दाग लेकर फिर चली वनवास सीता राम से परित्याग लेकर अब मैं लव की कहानी पर पढ़ाई का वरण हो हो अगर संभव तो लिख कवि गीत का अंतिम चरण हो हो अगर संभव तो लिख बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद अब मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृत के सुबह डॉक्टर बलराम शुक्ल जी से उनको आमंत्रित करता हूँ आप दिल्ली से पधारे हुए हैं आप पारसी संस्कृत के प्रतिष्ठित कवि हैं सर्वांश सामाजिकान उपस्थितान अभिनंद्य मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ महाकवि माघ पर आधारित ये मूलतः कविता फारसी में लिखी गई आ, सर के आदेश पर उनके और उसका समवृत्त और समान शैली में संस्कृत में अनुवाद है पहले मैं संस्कृत पढ़ूंगा ताकि फारसी में क्या है यह स्पष्ट हो सके थोड़ा जो छंद है वो भी फारसी का है जो विधा है वो भी फारसी की है और उसका छंद है फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन या राजभा ताराज मा तारा लगा अगर हम भारतीय शैली से कहें मसनवी शैली है उस उसकी चर्चा करना यहां उचित नहीं है समयाभाव है उसमें सबसे पहले मंगल किया जाता है उसके बाद गुरेज होता है वगैरह वगैरह गीति रीति ती मार्गा नाम विधे त्वाम विना कस्यापि नामना नारभे गीति रीति प्रीति मार्गानाम विधे त्वाम विना कस्यापि नामना नारभे मध्यमा नाम वैखरी वाचाम पितह भाषणे मौने प्यहम त्वाई अर्पितह अब राजस्थान का वर्णन भीनमाल का वर्णन माघ का वर्णन इस तरह से है कुछ कुछ मैं सुनाता हूँ केवल अस्ति राजस्थान दे अस्ति राजस्थान देशो भारते शूरवीर शंसित शोभारते जन्मभूर देशाय सर्वोत्सर्गिण कांक्षिता सोत्कंठ मेषा मानिनी लोक स्वमान रक्षित किस तरह से है राजस्थान मानिनी लोक स्वमान रक्षित चिंतित न द्विर्हुताशम गाही सीमभू सीमती नीनाचल नावमृष्टे शत्रुभिर्मृत्वाप्यलम् धन्वभूमौ धन्विनां चैतन्यतः देश स्वसुदूरं रक्षितः वर्णपूर्णा भूश्च सत्तौर्यत्रिका पूतपद्या सन्निषद्या सत्कला नैष धन्वा पश्य सन्नत्यादरह मर्त्यरत्नानां खनीरत्नाकरः राजस्थान आपको धरती धूरारी दिखाई पड़ता होगा लेकिन वो रत्नाकर है समुद्र है क्योंकि मर्त्य रत्ना नाम खनि वर्तते नैश धनवा पश्य सन्नत्यादर मर्त्य रत्ना खनि रत्नाकर बालुका लेशोत्र कामम गण्यताम नेह शक्यम मित्र संख्यानम सताम भीनमालम अत्र देशे द्योतमाना नाम पुराम अर्थात पुरीणाम अत्र देशे नाम, नाम पुराम वर्णयाम कि शोभा पदम भिन्न तस्य तरह वयम् आप देख सकते हैं कि मसनवी की जो शैली है तुकबंदी ये संस्कृत की शैली नहीं है संस्कृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं है ये चूंकि उसका समवृत्त और समविधात्मक अनुवाद है इसलिए ऐसा है अब माघ की के विषय में कुछ पद्य है प्राची कालेतराजत सच्छवि तत्र जातो जातिमान अस्मत कवि सर्वतः पद्य प्रताप ही संसित माघनामा सोभवत कीर्त्या संस्कृता काव्य सत्रे सौ समस्मय मैं कुछ छोड़ रहा हूँ काव्य सत्रे सौ समस्मय सोमसुत अत्यधात सामाजिक स्वांतेश मुत सं माघो वसंता नानयत खुद वो माघ थे लेकिन वो वसंत उन्होंने वो ले आए स्वयं माघो वसंता नाव्यकुंजे दक्षिणाशा वायुवत्कुटेस्म इनके काव्य वाटिका में निष्कुटेस्म वर्तमान सौरभ अद्भुत नामाकरम कर बृहत् सत्काव्य हम निर्मम जातिनो ये हा निर्मम देवगी प्रत्यग्र वाग्योगृता भव्य शब्द भारती संतर्पिता सद्गुण यद्वास्ति सर्वस्मिन कवौ एकले माघे खिलम वेधा माघे सन्ति त्रयो गुण सद्गुण यद्वास्ति सर्वस्मिन कवौ एकले माघे खिलम वेधा यत्समे शब्दा प्रयोगे जीविता पञ्चता नैवास्य चाकल्पम मता अर्थसार्थो यच्च साक्षात्कारितः निनिधिवार इसका इसकी मूल कविता जो है वो मसनवी माघ और ये जो छंद है उसको बहरे रमल कहते हैं जो मसनवी का प्रसिद्ध छंद है आ, मसनवी मानवी जो मौलाना की वो छब्बीस हजार में है ये केवल छब्बीस छंद हैं गैर आगाजम सुखन

از پی ناموس داری بانوان همچو پروان در آتش جان فشان مرد نگذارد یده دشمن به خاک زن نگه دارست از دامان پاک مرزبان مرز, مرز میهن بوده است در بیابان مثل قیس آسوده است در بیابان غونچه زاره و مقیم در زمین خشک اشجارش نعیم میهن فرهنگ آواز و رنگ شعر آهنگین رود و عود و چنگ گرچه صحرا نماید لیک آن هست هستی بهریالی گوهران می شماری ریگ سهرای وسیع لیک نشماریش مردان رفیع در میان شهرهای این زمین هست شهری همچو گوهر در زمین ज़ीनत कौनो मकान बासद जमाल नामे शहरी शोहर शुद बा भीनमाल बीशे सदहा साल दर अहद क़दीम ज़ाद इन इंजा शायर दाना अलीम वे शुदा आवाज़े बसद आहंग बांग दर दु आलम नामे दानंद माघ چون عروس شیر را از فن خیش کرد آرایش فزون و بیش بیش قلبهای نکت سنجان شاد کرد هند را جمله سرود آباد کرد آن ورد رشک شاعران که از خزان هرگز نمی بیند زیان کاخ شیرش چون صدرگو چون بلند تا نه از دست کسی یابد گزند نسل های هند از این ناگل ستان جان نو سرشار و وزان عطر جان فرورده در ورد سرود زنده سازد مردگان را در وجود می نماید با سرود پروقار آب گوهر بار کوه آبشار واجه های نو چنان ایجاد کرد سنسکرت را تا ابد آباد ساخت जुमल शायर हर्च चारद दर वजूद माघ दारद तनहा दर वजूद मानिए जावीद चूना ना वाजहा ये ताज चुन कर दे पदीद ता अबद आबाद शुद गुलजार माघ ता क्यामत हिंद शुद सरशार माघ हर नर्तन एक छंद है उसमें ये कविता है संस्कृत में है कुन्द सुन्दर दन्तवन्दितमाननं ललिताधरम् कुन्द सुन्दर दन्तवन्दितमाननं ललिताधरं कोटिकामकदम्बकैरभिनन्दितं कलितादरं चारुचन्द्रकसञ्चितं परिवञ्चिता अखिलचारुतं मन्मनोत्यधिकं हरत्यधिमानसे मम राजितं खर्विता धन्यवादः खर्विताखिल गर्विता मलसौरभं धृतमारुतं वंशवेणु विनिद्ररन्ध्र विनिर्गलद्रस तस्य सदाननम् मन्मनोजमयं मनस्त्रिषितम् चकोरति सन्ततम् पाण्डुजात् अन्तिम् पाण्डुजाति हितोऽप्यपाण्डुतया श्रृंखला सुधृतोद्भवोपि विशिंखली कृतमानसः कृष्णवर्णयुतेन येन वलक्षितं भुवनत्रयम् कृष्णवर्णयुतेन येन वलक्षितं धवलीकृतं कृष्णवर्णयुतेन येन वलक्षितं भुवनत्रयम् तेन चित्रचरितृतेन सुरक्षिते त्रजनोप्ययम् धन्यवाद धन्यवादा बढ़िया धन्यवाद बलराम जी अब मैं अत्यधिक आ, मैं आ, 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 आमंत्रित करता हूं अपने बीच विद्यमान हाड़ौती के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं दुर्गादान सिंह गौड़ जी उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने हाड़ौती कविता से हम सबको अनुरंजित करने का कष्ट करें माघ कवि की स्मृति में आयोजित ये कवि सम्मेलन व्याख्यान माला वर्षों <coughs> वर्षों पूर्व ऐसे उद्भट विद्वान और कवि हमारे देश में हुए हमारी पीढ़ी उनको नहीं पढ़ पाई नहीं देख पाई लेकिन उनकी कविताओं की अनुभूति आज भी जनमानस में है और हम उन्हें याद कर रहे हैं मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ आप सबको प्रणाम करते हुए आख खुली तुलसी की तो रामायण रच दीवान आंख खुली तुलसी की तो रामायण रच दीवान अज आँख मुंदी जब सूरदास की उपजा भाव ही आम आँख खुली तुलसी की तो रामायण रच दीवान अजी आँख मुंदी जब सूरदास की उपजा ही आम आँख मिलाई मीरान गोविंद मोल ले लीनो आँख मिलाई मीरान गोविंद मोल ले लीनो आख आखम बसम कर लियो कानूड़ो राधा न अजी आंख आखम बस्म कर लियो कानूड़ो राधा न चार पंक्तियां देखिए बंशी पे <coughs> राधा कहती है कि इसमें ऐसा क्या है कृष्ण का जवाब देखिए तो कंशी बांस चराधा यों तो बंशी बांसराधा प्रणीम मारा सांस चराधा यूं तो बंशी बांस चराधा प्रणीम मारा सांस चराधा मार लेख खास चराधा अब यथार पास चराधा मार ले के खास चराधा अब पास चराधा चार पंक्तियाँ देखिए लोग कवे चे एक कहानी अतनी रोई राधा रानी लोग कहे चे एक कहानी अतनी रोई राधा रानी आज ताई भी खारो ही सु यमुना जी को पानी आज ताई भी खारो ही च सु यमुना जी को पानी प्यार को मतलब प्यार की महिमा मुं समझो न तू जानी अरियो योचे अशो हवन जीमको अशो हवन जीमक रोज जड़ चे एक जवानी रोज जड़ चे एक जवानी उद्धव प्रसंग के दो एक शंद पढ़ रहा हूँ देखिए <coughs> जेठान उद्धव जी आते हैं और गोपियों को ज्ञान पिलाते हैं गोपियां को सुनना नहीं चाहती क्योंकि प्रेम में एक जुनून काम करता है वो जुनून किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता पंक्तियां देखिए आप जे थान प्यार करो हो तो या न कहता जिथन प्यार करो हो तो, तो या न कताऊ उदो जी रंग को रोजगार करो हो तो तो या न कहता उदो जी जे थोड़ो भार लिया होता तो या न कहता जी अजीजे खुद तो अजी ही मार जिया होता तो यान कहता दू जी अजीजे खुद ही मार जिया होता तो यान कहता दू जी थाक पास ज्ञान चोध मां क पास प्रेम की पूंजी थाक पास ज्ञान च ऊध माँ के पास प्रेम की पूंजी उल्टा समझावा आया छो आखिर थाई सोजी खरी खरी कह दीमान तो खरी खरी कह दी मान तो थाकी देह काय में दूजी जे काना सो अलगो कर दे जे का नासू छेटी पटक अशी सलाने काई जी। जे का नासू छेटी पटक अशी कहीं करूँ जी सुदामा चरित्र का एक दो बंद पढ़ रहा हूं कृष्ण नाराज होते हैं बरसों बाद जब मित्र मिलता है कृष्ण समझाते हैं मैं इस हैसियत में था आज तुमने इतने दुख क्यों उठाए सुदामा पंक्तिया देखो अतनो सगोच सुदामा जे कदी न रामा श्यामा अतनो काई सगोच सुदामा जे कदी न हो रामा श्यामा गणा दनाक बाद मिलिया था लगा भुजाम थामा गोच सुदामा जे रामा श्यामा गणा संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे उसके बाद राजा बनने के बाद कृष्ण के द्वारकाधीश होने के बाद सुदामा मिलते हैं उन्हें <laughs> गणा दनाक बाद मिलया था हिवड़े लगा थामा भाभी ने कहीं भेंट खनाई मैं बताओ कठी छुपाई भाभी ने कहीं भेंट खनाई मैं बताओ कठी छुपाई लुक छुप जीव चुरावे सुदामा लिपट लिपट जावे कन्हाई लुक छुप जीव चुरावे सुदामा लिपट लिपट जावे कन्हाई चार पंक्तियां देखिए आपके कृष्ण जब चले गए होंगे उनके साथ क्या क्या गया होगा कोयल यल पपीहा मोर चली गया कोयल यल पपीहा मोर चली गया ढाला ढोर चली गया सूख गई सारी अमराई हर आंबा का मोर चली गया कोयल पपिया मोर चली गया भोला ढाला ढोर चली गया सूख गई सारी अमराई हर आंबा का मोर चली गया उल्टा चाल्या अशा वायरा हंसी खुशी का दौर चली गया उल्टा चाल्या अशा वायरा हंसी खुशी का दौर चली गया अजी मारी के आग ही मारी के आग ही देखो नंद किशोर चली गया अरे मारी के आग ही देखो नंद किशोर चली गया चार पंक्तियां देखिएगा राधा प्रतीक्षा करती है खूब समय निकल जाता है कृष्ण नहीं लौटते खबर मिलती है वो तो मथुराधीश हो गए हैं राधा तंज कसती है पंक्तियां देखो सोचू चू संदेशों भेजू के खुद ही मथुरा हो आऊं सोचू चूं संदेशो भेजू क खुद ही मथुरा हो आऊं मन भर क दियूं खूब ओल मा आता रा ले आऊँ पण राधा जी पगन मांड लाज का लंगर फर गया राधाजी पगन मांड लाज कलंगर का फर अजी अजी कानाई तो समझा कानाई तो समझा पण मथुरा से कस्या मनाऊ अरे कानाई तो समझा दू पण मथुरा दिशें कस्या मनाऊ ये गीत इसे मैं समय और स्वभाव का गीत कहता हूं राजस्थानी का गीत बहुत पुराना गीत पर मेरे मित्र संजय जी झाला का आदेश था कि वो गीत मुझे सुनाना है जैसे तैसे मैं सुना रहा हूं भोर <laughs> भरत जू भोली भोली आधी केसर आधी रोड़ी भोर सुबह के रंग देखिएगा सुबह का वातावरण देखिएगा भोर चारों भाइयों का जिक्र है कौन कैसा किस प्रक्रिया में किस प्रतिक्रिया में पंक्तियां देखना राम बनवास अगर नहीं हुआ होता मैं ऐसा मानता हूं यह मेरी व्यक्तिगत छोटी सी मान्यता हो सकती है तो रामायण शायद नहीं बनती राम वनवास मुख्य कारण है जब सब, सब चरित्र खुल के सामने आए और, और सबको एक, एक दिशा मिली सबने अपने अपने जिस भूमिका के लिए वो ईश्वर ने भेजे थे उन्होंने सब सबने पूरी की पंक्तियां पढ़ रहा हूं आ, बोर बरत जू भोड़ी भोरी आदि के सर आधी रोड़ी दन रासन बैठा लक्ष्मण लाल को मुनि राम चोगड़ियों देख काल को भोर भरत जुड़ी भोरी आदि केसर आदि रोड़ी तो दन वीरासन सुप बैठा लक्ष्मण लाल को मुनि राम चोगड़ियों देख का भरत का चिंतन क्या है कण क लेख राज पाट ये कुण का छोरी डावड़ी कुण क लेख राज पाट ये कुण का छोरी डावड़ी चारों खूंटा राज करेगी राम जी की पावड़ी लेख राज पाट ये छोरी डावड़ी चारों खूंटा राज कलावे राम जी की पावड़ी गहल मन तू तो चाकर दूबड़ी जनता का जानर माल को मुनि राम चौगड़ियों देख काल को लक्ष्मण क्रोध में है, है। अति क्रोध में है पंक्तियां देखना आप बाप कवे क बचन निभा दियो मामानक मलगी रीज रीज यानी पुरस्कार के कई सोच रही उसे पुरस्कार मिल, जाए, मिल जाएगा पिता ने ये कह के ता, ता, तल नहीं दे रहे हैं बात को टाल रहे हैं कि मैंने अपना वचन निभा दिया माँ ये सोच रही मैंने अपना पुरस्कार पा लिया पंक्तियां देखी इस बीच में जो लक्ष्मण का द्वंद बाप कवे वचन निभा दियो मामानक मलगिरी बिना राम के काई अयोध्या काट जीवड़ा बन किसी एक वचन निभा दो मामानक नलगिरीज बिना राम के काई अयोध्या काट जीवड़ा बन किसी मर्द होर जवाब दू थारी चाल को मुने राम चौगड़ियों देख काल को भोर भरत जूं भो चार पंक्तियां देखी शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं पर एक्शन में है पंक्तियां देखी धन <laughs> भर तीर धनुष साध मानरिया वो राक कद धन भर तीर धनुष साध राक रक असी दोगली राजा क्या क्यों कोई माथा पलाद शत्रुगन बस, बस चले चोलो उतार दू बस छोडो उतार दू मंथरा की खाल को मोने राम देख काल को अंतिम पंक्तियां राम पर कैसा वातावरण राम कैसे थे कितने सहज थे कितने धीर गंभीर थे सांझ का सा, सा, संध्या के समय से उनकी उपमा दी पंक्ति झ राम का तन की छाया सभी सांवला सा हो आया साँझ राम का तन की छाया सभी सांवला सा हो आया साथ छोड़ छोड़गी दुनिया सारी बांध बांद साथ छोड़ छोड़गी दुनिया सारी रीझ बांद राया एक हरण साझ राम का तन की छाया सभी सावला सा हो आया साथ छोड़ गी दुनिया सारी रिछ बांद राया एक हरण रावण थारी सोना की टकसाल को मुनि राम चौड़ी देख काल को भोर बरत भोली भोड़ी, भोड़ी आदि के सर आधि रोली चढ़ तो धन बहुत बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कविवर दुर्गादान सिंह गौड़जी को अब मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करता हूँ शैलेश तिवारी जी से तिवारी जी को कि वो अपने काव्य पाठ से हम सबको अनुरंजित करें मंचस्थान सर्वान गुरुन गुरुकल्पान कवीन पुरतः विराजमानान गुरुवरियान सर्वान् श्रोत्री ए श्रोत्रीश्चाभिवाद्य साक्षात काव्यपाठ हम प्रस्तुत होंगे दूर से बुलाया है आपने थोड़ा झेल देंगे आप लोग समय अतिक्रांत है रचनाएं कई हैं तो मैं विभिन्न छंदों में एक एक पंक्ति सुनाने का प्रयत्न करूंगा सबसे पहले आदरणीय श्री माघ कवि जी के लिए दो पद्य ये दोनों पद्य घनाक्षरी हैं लेकिन ये गणाश्रित घनाक्षरी हैं जो चारुहासनी और पंचाक्षर को मिलाकर के हमने इसको तैयार किया है इस छंद को और मुख्य विशेष यही है कि माघ काव्य माघ काव्य कानन में भला किसका मन नहीं लगता है माघ कानन में भला किसका मन नहीं लगता है अब माघ कानन कैसा है उसी का विशेषण आप देखें <स्याँग> अद्वयोपमार्थ साप्त नव्य नव्यव्य दिव्य भव्य शब्द पाद पासने कानने अद्वोपम गौरवुलद्रभद्र साप्त नभ्य न्य दिव्य भव्य शसने नंदनंदनानंदनावंदनांग नाभिवंद्य नंद नंदनानंदना नंदनंदनानंदनावंदनांग नाभिनंद्य हृदय पद्य विकासने सत विवेक की केकी कोकिला दिलास सत विवेक की केकी कोकिला दि के लीलास नेत्र अत्र सत विवेक की केकी कोकिला दि के लीलास नेच जर्जर पि जीवने सदा वसंत भासने अकस्य नो मनो विभाति कस्यनो नो मनो विभाति भान भानु भाष मान भारती बिहार भूमि माघ काव्यन ने कस्य नो मनो विभा भान मान भारती बिहार भूमि माघ काव्य कानने वह माघ का कानन जहाँ शिशुपाल शिशुपाल कैसा है उद्धत है आतताई है सभ्य भाई है सभ्यों को डराता है वो दुर्वचोतिशाई है गाली देने में सम्राट है वो माई है मायावियों का नेता क्योंकि सीधा तो माई नहीं मायावियों का नेता है आप देखें, सभ्य भाई माई दुर्वचोतिशाई चंड चैत्य मुंड धारणे कानने ने उधता तताई सभ्य भाई माई दुर्वच्योतिशाई चंड चैत्य मुंड धारणे द्वेश दम्भ दुष्टता धृष्ट दैत्य संघ धर्ष घर्षण उद्यत प्रवीर धीर धारणे शौंड शंड भंड भांड खंडन प्रचंड दंड धूर्तों के का जो भांड है उसको खंडन का सबसे बड़ा दंड ंड भंड भाण खंडन प्रचंड दंड पंडित प्रकांड मंडना मंडन प्रभा प्रसारणे सौंड भंड भाण्ड खंडन प्रचंड दंड पंडित प्रकांड मंडन प्रभा प्रसारणे को न मूर्खराद विभेति मूर्ख विभेति को न मूर्ख राड विभेति भू कभी भाव नेत्र भू कलू कहा उल्लू उल्लुओं को डर लगता है माघे काव्य में और किसी को डर नहीं लगता है को न मूर्ख राड विभेति भू कभी भाव नेत्र सर्व शास्त्र भूमि माघ काव्य कानने सर्व काम सिद्धि धाम माघ काव्य कानने इसके बाद कवियों के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कवि है तभी तो हमारे सारे शास्त्र हैं तो कवियों के लिए एक पद्य मैं एक एक पंक्ति एक एक बार गाने का प्रयास करूंगा समय सीमित है पर सर से निवेदन है झेल लीजिएगा दो चार पंक्ति सुनाऊंगा ज्यादा नहीं <laughs> यदि कवि ना हो महनीयता कवि कविना बिना कही साम महनीयता क्व कामिनी कमनीयता क्व सुधांशु शीतल कौ मुदी प्रकृते क्व सा रमणीयता क्वच के की की ल चा तक चारूता क्वच के की कोल केला क्वचा को के चा चातक चारूता वसुधा सुधा भगवत कथा कविना वीना वसुधा सुधा भगवत कथा क्वीतम कविना वीना क्वसुभा कविना कवि इसलिए माघ जी के लिए भी एक हरी गीतिका सुपदार्थ रत्न विभासिते माघ काव्य महारणवे निमज्जता निमज्जता महारणवे सुपाथरत्न विभासी रसमाधूरी रजिते कमनीयता कमलोल अत्र कमनीयता एव कमला वर्तते कमनीयता कमलो लसत् पदचारुताजि शिशुपाली ते समुद्र चंद्रकलया वर्धते अयम अपि समुद्र का्यसमुद्र कृष्ण चंद्र कलया इन वर्धि वर्त है तस्जता शिशुपाल कल नव कल्पनोर्मी समय समीते कबिमाघ का्य सुधारण्वे कभी माघ काव्य महारणवे मताम जता कभी माघ काव्य रसारणवे बिनिम जताम जताम एक पंक्ति भगवान कृष्ण के लिए क्योंकि महाभारत पर भी गीत है लेकिन एक ही पंक्ति सुनाऊंगा समय अभाव कारण लसति ललित ऋतोजता लसती ललित ऋतोराज मधुमय रसरय भरित बसंता वसंत काल मधुमय रस भरतभस गोपा गोदन ते बिलस लसति ललित वसंते वायु रस सागर से रसमीर से यह स अतिमीर है मीरम सीमानम अतिक्रम्य वर्तमो वर्तते इदान रसमीरो अतिरो अतिमीरोसमीर कोकिल काकले कलित शरीरा धीरो मंद रो राजसते ललित रे तो बसंता एक पंक्ति कुंती पर कुंती का जीवन को आप लो सब लोग जानते हैं जन्म कहीं और हुआ पोषण कहीं और हुआ विवाह हुआ पति ऐसा मिला जो रुग्ण भी है सप्त भी है उसमें भी विधवा हो जाती है अपनी भी संतान सपत्नी माद्री की भी पुत्र उनका भी पालन फिर भी उसने कर्तव्य को नहीं छोड़ा है कुंती ने इस पर कई हैं। एक पद मैं आपको मंदा क्रांता छंद सुना रहा हूं गेह न्यास्मिन जान गता पोषणं त्वन्यगे गेहेण्यस्मिन् जनिरधिगता पोषणं त्वन्यगे रु सुपुत्रं प्राप्यानुचितसमये स्वियः स्तेना हनम कर्णस्य हनम रोगनः शाप्तः पतिराधिगतः तत्र बैध्य योगः रोगनः शाप्तः ोग लब्धवाप्यमित पद नो जहो कर्म कु लब्धा वात्या वात्या तूफान को कहते हैं yeah. लब्धा वात्याप्यमित जा कर मंती अब एक पंक्ति रामायण और एक पंक्ति गीत सुनाकर विराम लूंगा मैं रामायण का भी गीत है पर एक ही पंक्ति सुनाऊंगा समय भाव कारण राम राम लीला कथा संविधानम राम लीला कथा संविधानम जते रम्यमाण न शाश्वतादर्श शिखा निधान शाश्वतादर्श शिखा निधानम भ्रजते भव्य रामण न भ्रजते भव्य रावळा दीन अनाद्रित्य लोके रामवद वर्तनाय प्रजानं रावळा दीन अनाद्रित्य लोके रामवद वर्तनाय प्रजानं सर्वदो दृष्टिं ददानं दृष्टि ददान दीप्यते दिव्य रामायण दिव्यते दिव्य रायण अब अंतिम दो पंक्ति सुना करके वाणी को विराम लूंगा बसंत पर नवनीष्यम मधुमाकरं मकरम नवनीषम मधुमाकरंदम मकरम पीब मधुकर रे मंदम मंदम नवनीषम नव मधुमास समागम समय नव पल्लव सुम लती नव मधुमास समागम समय नव पल्लव सुम लती चुम्बन् कुसुमा निचयमुखचन्दम् चुम्बन् कुसुमा निचयमुखचन्दं पिबा मधुकर रे मन्दं मन्दं नवनिष्यन्दम्

मंजो मंजरी पिंजर पुंजे गुंजन प्राप्य परम सुख कंदम पीब मधुकर रे मंदम मंदम नवनीषंदम गीत लंबा है समय अभाव से विराम लेता हूँ श्रम को प्रणाम धन्यवाद शैलेश जी को मैं जानता हूं कि इतने कभी एक दिन में पूरे नहीं किए जा सकते पर आप लोगों ने जो तत्परता दिखाई उसके लिए हम आपके आभारी हैं और अब मैं अध्यक्षीय काव्य काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी को वह आएँ और अपने काव्य आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित करें मंच पर विराजमान सभी सुकविजन सामने बैठे हुए सभी सुधी श्रोताजन अद्भुत अनोखी कवि गोष्ठी रही एक तो कई राग सुनने को मिले भैरवी प्रारंभ में फिर वसंत शैलेंजी का पूरिया धनाश्री भी और भी कुछ राग हमारे युवा कवि संगीत में कितने निपुण हैं यह मुझे जानने का अवसर मिला और सरस कविताएं सुनने को मिली हाड़ोती की बानगी देखने को मिली मैं बहुत उपकृत हुआ मैं सोच रहा था कि अध्यक्ष का काम केवल देखना होता है व्याकरण के आचार्य बैठे हुए हैं वित्पत्ति बताएंगे अध्यक्ष वो होता है जो केवल देखता है तो ये आपने लक्षण अध्यक्ष का चरितार्थ करवा लिया मुझे उसमें अध्यक्ष बनाया था पुष्कर दत्त शर्मा व्याख्यान माला में उसमें मैं देखता रहा इसी में मैं सोच रहा था इसमें भी कि मैं देखता रहूं और चला जाऊं लेकिन अब आया हूं माइक के सामने तो कुछ कहूंगा और कुछ अत्याचार ही आप लोगों पर करूंगा ना तो मैं बार बार ये कहूँगा कि और झेल लीजिए और झेल लीजिए और न मेरे पास वैसा गला न मेरे पास वो राग न वाणी की ओजस्विता न फड़कती हुई बढ़िया शब्दावली न सवैयों की सुंदरी सवैयों की घनाक्षरी की छटाएँ मेरी जैसी ही निर्गुण निरलंकार मेरी कविता उसमें से कुछ पढूंगा मुझे पहले कुछ जो सूचना आई कि माघ पर कविता लिखनी है तो मैंने माघ पर कोई कविता नहीं लिखी फिर आया कि रामायण महाभारत पर लिखी है तो मैंने ना रामायण महाभारत पर कोई कविता नहीं लिखी लेकिन वाल्मीकि चरितम मैंने आदि कवि चरितम मैंने महाकाव्य लिखा काफ़ी बड़ा संस्कृत में उसमें कुछ राम के संबंध में भी है कुछ वाल्मीकि के संबंध में भी है तो दो दो चार चार श्लोक में उसके सुनाऊंगा अनुष्टुप श्लोक हैं सरल हैं आपको समझ में आ जाएंगे इंदी वर दलश्यामं गुणग्रामं मनोहरं निकामं कामनारामं जित कामं स्वूपत लोकाभिराम मारामं राम धर्मद्रुम समन्वित श्रीराम तमहम वंदे विराम पापकमणा wow. <laughs> इतने दो राम पर हैं और दो चार पाँच शुरू शुरू में मैंने आरंभ में मैंने वाल्मीकि की, की वंदना की है थोड़ा अच्छा शायद ना लगे आपको मैं ये सोचता हूँ कि हमारे आचार्य बताते हैं कि कभी प्रजापति होता है वो दिखाता है दुनिया कैसी है उसकी आँखों से दुनिया देखती है वो दुनिया बना कर जाता है उसमें हम रहते हैं दुनिया सचमुच में कैसी है ये कोई नहीं जानता जो दुनिया दिखाई दे रही है हमारे आचार्य हमको यही बताते हैं तो वाल्मीकि ने एक दुनिया बना दी उस, उसकी आँखों से हम देखते आए कि ये राम और ये सीता और ये नहीं तो हम लोगों में से किसने देखा कौन जानता था कि राम कैसे हुए थे हमारे एक इतिहासकार थे वो तो कहते थे कि अयोध्या बहुत छोटी सी रियासत दशरथ वाज पेटी किंग ऑफ रामा वाज पेटी किंग ऑफ अयोध्या और हकीकत क्या है कौन जानता है भाई लेकिन जो एक मेटा रियलिटी है जो जो बड़ी सच्चाई है सच्चाइयों से बड़ी सच्चाई है वो वाल्मीकि बना कर गए वो दुनिया हमारे लिए देख करके गए उसमें हम रहते हैं वो आदि कवि हैं तो उसके उनके बारे में चूंकि तुलसी पर भी खूब कहा दुर्गा दत्त जी ने और भी लोगों ने मैं वाल्मीकि रामायण का पढ़ने वाला आदमी हालांकि रामचरित मानस भी पढ़ा है मैंने तो कुछ पद्य में उसके सुनाऊंगा संसार सागरोद्धार महापोत समम ध्रुवम शब्द ब्रह्म विवर्ता समाहारेण निर्मितम काव्य रामायण यद तस्व प्रतिष्ठित सारस्वत साम्राज्यम भारत से च गौरव संसार के सागर से उद्धार पार करने के लिए महापोत की तरह जो है शब्द ब्रह्म का विवर्त जो है विवर्त तो टेक्निकल शब्द है शब्दों से रची हुई दुनिया जो बनती है और सरस्वती का साम्राज्य जो अपने आप में है कर्ता काव्य सेचेत सम मुनि तथा ऋषिम दर्शन संपन्न कवि कविपुंगव संति रामायणान्यत्र सहस्रशो महीतले वाल्मीकेस्त कृतिर्धातु सृष्टिराद्यव वा विद्यते कई कई रामायण हैं लेकिन वाल्मीकि की, की जो रामायण है वो आदि काव्य है तो की पहली पहली रचना जैसे होती है वो पूरी भारतीय कविता की पहली पहली रचना है इव रमणी प्रसन्ना रंतरात्मा थवा यथा गंगा की निर्मल बहती धारा की तरह या तपपूत ऋषि की अंतरात्मा के प्रवाह की तरह आदि काव्यम वरीवर्ती यदिमायणाभिधम भूत यस्मिन भविष्य भारत से निदर्शित आदि काव्य है भारत का भूत भविष्य वर्तमान उसमें इदम तम प्रश्नम अस्थ्यत भुवन यदि नादीपय स ज्योति रायण कवि तीनों लोग अंधेरे में डूब कर रह जाते हमारे लिए यदि रामायण की ज्योति जलाकर न जाते आदि कवि वाल्मीकि वाल्मीकि न स्वयं दृष्टा राम जीवन रेखिका उन्मील्यतूलिभिस्ता चित्र विनिर्मिता वाल्मीकि ने जो राम के जीवन की रेखाएं स्वयं देखी उनसे खाका बनाकर उसमें चित्र भरकर उन्होंने पूरी पेंटिंग बनाकर जो हमें सौंप दी है न कष्यदिप्राज्य काव्यम रायण कवि राम से कोपी नाम क्वा ज्ञात भुवने जना आदि काव्य रामायण यदि वो नहीं बना कर जाते तो राम का नाम भी संसार में भला कौन जान रहा होता रामो यद रामताम या तो रावणो रावणायित आयिता जगदम्बाईता सीता वाल्मीकि तत्र कारणम राम जो राम हो गए और रावण जो रावण हो गया और सीता जो जगदम्बा हो गई तो वाल्मीकि उसमें कारण है अब एक लंबी है कविता वो मैंने और ये जानते हैं ईरान में भी सुनाई वह थीम यह थी कि युद्ध की विभिषिका में छोटा सा बच्चा तो मुझे ध्यान आया कि महाभारत में एक बच्चा बचा रह जाता है और बहुत उपेक्षित पात्रों की बात हो, होती रही तो उर्मिला पर तो मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा महाकाव्य लिख दिया और संस्कृत में दो तीन महाकाव्य भी, भी हैं और बहुत कविताएं भी हैं एक बच्चा उसमें बच बच्च गया कुरुवंश का उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है तो मैंने उस पर कुछ लिखी थी लंबी कविता है उसकी थोड़े से ही छंद सुनाऊंगा वो दुर्योधन का बेटा था वो पाँच साल की करीब उसकी उम्र रही होगी जब दुर्योधन को मार डाला गया वो बचा रहा उसका क्या हुआ कोई नहीं तो उस पर कुछ है क्योंकि महाभारत से संबंधित कुछ यहाँ सुनाना था इसलिए महाभारत संग्रामे दुरंते गे संभ्रमी बंभ्रमी तेष त्यक्तोथ दुर्जय महाभारत के दुरंत संग्राम का अंत हुआ हड़बड़ाया घबराया बटक रहा है दुर्जय एक एक कर सबने छोड़ दिया है उसको दुशासने विनिहते दुर्योधने दिवंगते दुर्भाग्या शिष्ट दुर्भाग्या शिष्टो बाल एक दुर्जय मारा गया दुशासन दिवंगत हुआ दुर्योधन दुर्भाग्य से अपने कुल में यही एक बच्चा बचा है दुर्जय धूलिधूसरिम ता भग्नोरु तम सुयोधन समुत्थपुम भूमियतस्म दुर्जय एक दृश्य है कि भीम ने उसकी जांघें तोड़ दी छल से सुयोधन मैंने इसमें कहा है कि उसने तो कोई छल नहीं किया था छल इन्होंने किया पांडवों ने और बर्मस्थल पर प्रहार करके उसकी जांघें तोड़ दी महाभारत में देवता फूल बरसाते हैं दुर्योधन पर और सुयोधन ही कहा है उसको वहाँ बार बार उस स्वर्ग से देवता लेने आते हैं तो ये बच्चा पिताजी कहाँ है पिताजी कहाँ कहता हुआ वहाँ पहुँचा दत्राश गांधारी भी थे तो रेंगता हुआ जांघों जांघें टूटी हुई थीं दुर्योधन उठने की कोशिश करने लगा उसका एक चित्र है तो धूलिधूसरितम तातम भग्नोरुमतम सुयोधनम समुत्थापय तुम यतते चास्म दुर्जय धरती पर गिरे धूसरित पिता दुर्योधन को जिनकी जंघाएं टूट चुकी थीं उठाने का जतन करता हुआ दुर्जय एकणे एक तव स्वजना शातितास्तथा महारण्ये यथा वृक्षा अस्त्यंकुरुय एक एक कर ऋण में खेत हुए उसके सारे स्वजन जैसे महारण्य में वृक्ष धराशायी हो गए हों और अंकुर एक रह जाए बचा हुआ ऐसा ही अकेला एक बचा रहा यह दुर्जय कूजन तो उड्डी उड्डीनास्ते विहंगमा शावस्तानीक्षते जात पक्ष एकश्च दुर्जय जगत की बगी जगत की बगिया में अभी तक जो कूज रहे थे वे सारे पंछी उड़कर जा चुके रह गया है एक दुर्जय नन्हा चूजा इसके पंख भी अभी उगे नहीं हैं महासमर साक्षी च महाश्मशान संस्थित कुवंश प्रवालोयम अंतिमश्च दुर्जय है महासमर का साक्षी महाश्मशान में खड़ा एकाकी कुरुवंश का अंतिम अंकुर दुर्जय एक बच्चा यही अकेला छोड़ देता हूँ कुछ श्लोक और दो बात के बहुत छोटे छोटे राजपुत्रो दरिद्रश्च दानी मानी च कुरुवंशस्य दायादो दो तथा नाथश्च दुर्जय राजकुमार दुर्जय दरिद्र दुर्जय दानी दुर्जय मानी दुर्जय एक भिखारी दुर्जय कुरुवंश का उत्तराधिकारी दुर्जय अनाथ दुर्जय आशा बंध स्कंधितो आशा आशाबंध स्कंधितो विश्वास विश्वासस्त्रोटितो यथा अवरुद्ध इवश्वास संगाटके स्थित कुचल दिए गए आस के बंध की तरह टूट गए विश्वास की तरह अटक गई सांस की तरह चौराहे पर खड़ा रह गया है दुर्जय त्यक्त एक सर्वे कौरवई रथ पांडव हस्तिनापुर मार्गेशु भ्रमतेश सम एक एक कर सब उसे छोड़ते गए कौरव भी पांडव भी हस्तिनापुर के मार्गों पर बदहवास भटकता है दुर्जय इतनी है और आगे उसका क्या हुआ उस पर भी मैंने लिखा है लेकिन मैं एक थोड़ा और करूंगा अत्याचार दो एक मिनट और सबके दो दो मिनट हैं मेरे भी दो मिनट हैं सबके अपने अपने राम है मेरे अपने राम मेरे अपने दो मिनट <laughs> तो एक कविता मेरी है बड़ी नहीं है विभीषण विलाप विभीषण का रोना धोना हमारे यहाँ सात चिरजीवी माने गए वो सब जानते होंगे ताराशंकर जी इतने विद्वान बैठे हुए हैं अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान च विभीषण कृप परश्रामश सपते ही तेज चिरजीवी ना मेरे मन में सवाल ये आता है कि इन जीवी क्यों बना दिया कृपाचार्य इतना निरीह दीन आदमी ब्राह्मण वो अश्वत्थामा क्या बद बुरी हालत उसकी हुई है महान अपमानित हालत में वो रह रहा होगा परशुराम में, में मेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं रही जिस आदमी ने गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर चीर करके काट दिए वो गिरड़ा रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ क्या उसकी फिर बाद में हालत हुई होगी उसको कैसा अपमानित किया है हमारे कवियों ने बहुत हिम्मत के साथ में मैं बोलता हूँ उस पर कोई जवाब दे के देखे आप करिए को महाकाव्य लिखिए परश्राम पर भवभूत जो कहते हैं और जो गालियाँ उसको दिलवाते हैं वो पढ़िए महावीर चरित के तीसरे चौथे अंक में एक एक बढ़िया गालियाँ जो उछाल उछाल के उन्होंने दी हैं परशुराम को वो भी तो देखिए इतने बड़े महान मीमांसक महान ज्ञानी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और महान कवि क्य वो मैं नहीं कहूँगा मैं उस पर बोलने लग जाऊँगा तो फिर कुछ और हो जाएगा यहाँ से वो होता रहा है मेरे उसमें अब ये बिचारा विभीषण वैसे ही एक तो ये कुल कलंकी वहाँ उसको लतियाया था रावण ने लात मार दी थी और वहाँ से आया था अब ये भी चिरजीवी हो गया उसमें तो क्या हुआ होगा इसका तो वो कहता है किमर्थम मह्यम दत, कि दत्त किमर्थम दत्तम मह्यम अमरत इदम क्यों दिया क्यों दी मुझे यह अमरता किमर्थम चाहम परित्यक्तः प्रभु लंकायाम अस्याम क्यों मुझे छोड़कर चले गए प्रभु इस लंका में अहम यह एकाकी त्वच प्रयाणम कृतवान् त्रेतायामेव स्व मैं अकेला छूट गया यहाँ आप तो चले गए अपने धाम विष्णु लोग जल समाधि ले ली और आप पधार गए अब वही अमर हो जाते हैं भगवान तो लेकिन वो चले कृष्ण भी चले गए उन्होंने व्याज से अपने मृत्यु करा ली ये इन्होंने जल समाधि ले ली ये रह गए अहम यह सीधामी चेखिदे दुए मैं तड़प रहा हूँ कलप रहा हूँ इस दुनिया में अकेला जीवनाय असूए यम स्वर्णमयी लंका नैव में राम रोचते मैं अपने जीवन के लिए असूया करता हूँ मुझे नहीं रुचता है यह जीवन सोने की सुनहरी लंका मुझे नहीं लगती अच्छी मंदोदरी विलोकयति यतिमाम विषाक्त नयनाभ्याम जहरीली आँखों से ताकती है मुझे मंदोदरी उससे डाह करती हैं दूसरी रानियाँ, दूसरी रानियों से वह जली भुनी रहती है द्विशंती संततयो मदीया मेरी संतानें मुझसे द्वेष करती हैं अभी कब तक जिएगा भाई ये और उनके कई उत्तराधिकारी हैं कई राक्षस वहाँ तो बड़ी वो है तो दिशंति संततयो मदीया दिशंति संततयो मदीया एव मह्यम संतति मतलब जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस कई पीढ़ियाँ उसकी होती जा रही हैं वो है, है चिरजीवी ऐसे ऐसे ऐसा चिरजीवी होकर के क्या करेगा इसलिए हमारा कहना है कि हम लोग जल्दी मर रहे मर, मर रहे हैं बहुत अच्छे हैं हम लोग तो दिशंति संततयो मदीया मैं नहीं मरूंगा इतनी जल्दी वैसे अभी द्विशंति संततयो मदीया एव मह्यम असह्यम जायते शंकाकुलम जीवनम लंकायाम असह्य होता जा रहा है शंकाकुल जीवन मेरा लंका में हनुमान अपि न संप्रति सहायम विदधाति मनागत अच्छा एक चिरजीवी हनुमान भी है उसमें बहरहाल तो हनुमान अपि न संप्रति सहायम विदधाति मनागपि हनुमान भी बिल्कुल कोई सहायता मेरी नहीं कर रहे कर पाते हैं जो कि हर उसमें संकट मोचन हुआ ही करते थे स्वयं वो अमरतया उद्विघ्न वो बिचारे वो भी क्या करें वो अब खुद अपनी अमरता से घबरा गए सच परशुरामश्च परस्परम कलहाये थे वो और परशुराम दोनों झगड़ते रहते हैं आपस में वो भी चिरजीवी ये भी, भी चिरजीवी दोनों हिमालय पे चले गए तो क्या करेंगे और ये बंदर वो के छोटे से बंदर बन के भीमसेन के उससे लड़ने के लिए आए फिर महाभारत काल में महाभारत काल में भी जीवित थे तो सच परशुराम परस्परम कलहा ये थे हिमालय से कसाचित कंदर हिमालय की किसी गुफा में ये दोनों झगड़ते रहते हैं कालो न आती यामी अहमे समय नहीं बीत रहा है बीत रहा हूँ मैं यान्यपि तिषा अहम तथापि शिष्य मैं जाते जाते फिर ठहरा रह गया हूँ मैं रीत रहा हूँ फिर भी बीत नहीं रहा हूँ याम्य हम विशीर्ये हम मैं जाने जाने को हूँ बिखर रहा हूँ फिर भी मैं हूँ कीदृश मिदम अमरत्व यम राम त्वया प्रदत्तम ये कैसी अमरता है राम जो तुम मुझे दे गए अस्मात् शतकृत्व वरम नश्वरत्व इससे तो सैकड़ों गुना अच्छा है नश्वर हो जाना है अस्मत तो कृत्वो वरम ज्वलनम इससे तो हजारों गुणों हजारों गुना अच्छा है सीता की तरह चिता में जलना अस्मा तो वरीय वरीयो वर्तते भूमो विवरे चातरधम विवरे ध्यानम भूमो विवरे धानम तस्या इससे तो बहुत बेहतर है भूमि में उसकी तरह समा जाना बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं अकादमी के निदेशक सुकवि समीक्षक और दूरदृष्टा जो हमारे निदेशक हैं संजय झाला जी उनको आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन भी जैसे दूसरों को मुझे फोन कर करके कह रहे थे कि टाइम नहीं है ऐसे ही असमय अविलंब मतलब धन्यवाद ज्ञापन करें और चला जाए आप सबको प्रणाम करता हूं और आपकी महनी और गरिमामय उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूं आदरणीय सर मैं आपका दो मिनट ध्यान चाहूंगा अध्यक्ष ही नहीं देखता देखता संजय भी है ये ये काम तो लेकिन हाँ लेकिन ये हास परिहास में एक बात कहूँ सर एक कवि किसी दूसरे को दूसरे कवि को सुन रहा है इससे बड़ी पीड़ा और कुछ हो नहीं सकती उस कवि के लिए आइए पांडे साहब कृपया कृपया विराजें बहुत ही कठिन काम है सुनाना भी एक काम आपने किया और सुनना एक काम हमने किया मैं आप आपसी यहां उपस्थित हैं अध्यक्ष के रूप में मैंने कभी धन्यवाद नहीं दिया सर धन्यवाद लिया ही लिया पहली बार मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं आप यहाँ उपस्थित हैं आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है इस कवि सम्मेलन की सफलता का प्रमाण है हम लोग तो आ, ऐसे कवि हैं गुणवीर भाई जानते हैं हैं पशु मेलों से लेकर सर राष्ट्रपति भवन तक करना वही होता है वही मदारीपन हमें करना होता है लेकिन मैं इस मंच पर खड़ा होकर ये बात कहता हूं और गुणवीर जी इस बात की पुष्टि करेंगे कि मैंने अपने जीवन में इससे श्रेष्ठ कवि सम्मेलन नहीं सुना कम से कम तीन हजार कार्यक्रम सर मैं किए होंगे देश विदेश में लेकिन इससे श्रेष्ठ कवि सम्मेलन मैंने नहीं सुना वो नारद जी एक बात कहते हैं उनका शिष्य उनसे पूछता है कस्तरति कस्तरती मायाम इस माया को कौन तरता है वो कहते हैं यह महानुभाव सेवते जो केवल अच्छे लोगों के साथ मात्र बैठता है हमारी वो हैसियत ना हो लेकिन आपके साथ रहना ठीक इन फूलों की तरह इसमें क्रमी भी रहती है लेकिन चूंकि ये फूलों के साथ है इसलिए वो भगवान के माथे पर चढ़ जाती है आप हमारे साथ हैं हम आ, आपको सुनने का ये सुअवसर हमें मिला है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं आदरणीय शैलेश जी रामदेव साहू जी धनराज दादीज शशि जी मनोज जी दुर्गा दान जी आदरणीय बलराम जी पांडे जी आपका विशेष धन्यवाद कि आज आपने नहीं पढ़ा और राणा साहब तो राणा साहब हैं उनके क्या कहने मेरे बड़े भाई हैं मैं केवल इतना कहूंगा अंत में आदरणीय ताराशंकर जी पांडे उपस्थित हैं प्रथम उनको प्रज्ञा अलंकरण पुष्कर दत्त प्रज्ञा अलंकरण मिला मैं अपनी ओर से अकादमी के ओर से अनंत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और आदरणीय कुलपति जी हमारे बीच में हैं स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी लक्ष्मी मैम ग्वालियरैया साहब हमारे बीच में आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए विशेष उपलब्धि है मैं अंत में केवल इतना सा कहना चाहूँगा सर है हाँ सिंघवी मैम मैंने बिल्कुल सुषमा जी का मैंने नाम लिया वो तो हमेशा कृपापूर्वक यहाँ उपस्थित रहती हैं हमारे कार्यक्रमों में मैं उनकी उपस्थिति को भी रेखांकित करता हूँ कि हम लोग तो वो कवि हैं उस जल की तरह हैं जो कविता रूपी कमल का पोषण मात्र करते हैं लेकिन आप लोग वो सूर्य हैं जो कविता रूपी कमल में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि जब भी अकादमी आपको याद करेगी आप पधारेंगे हमें इसी तरह आशीर्वाद देंगे अनंत अनंत शुभकामनाएं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की इस माघ महोत्सव की बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार शुभरात्रि